जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन के नजदीक आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। इंदौर से जबलपुर के बीच चलने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस सुबह करीब 5:50 पर डीरेल हो गई। मुख्य रेलवे स्टेशन के बहुत नजदीक आकर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से यात्रियों में हड़कंप मच गया। सभी यात्री ट्रेन से उतर गए। हादसे की सूचना लगते ही मौके पर रेलवे के आला अधिकारी और कर्मचारी पहुंच गए और राहत काम में जुट गए। यहाँ डेरेलमेंट हुआ है, 2 कोच डेरेल हुए हैं और यह इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस का। क्या सूचना मिली थी और क्या वर्तमान स्थिति है? सूचना यही मिली थी कि इसके 2 डिब्बे ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जाते हुए 2 डिब्बे इसके बेपटरी हुए थे। यह सूचना प्राप्त हुई थी, तुरंत कार्रवाई करते हुए रेलवे के कर्मचारी अधिकारी एवं कर्मचारी यहाँ पे सबको इकट्ठा है एवं क्योंकि ट्रेन डेड स्टॉप स्पीड पे थी तो किसी भी यात्री को कोई भी हानि नहीं पहुंची है। सभी सुरक्षित घर पर हैं एवं अब इस मामले की जांच की जाएगी। क्या कोई कारण अभी तक नजर आया सर कि क्या वजह? अभी इस जांच की जाएगी, इसके बाद कुछ बताया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इंदौर से जबलपुर के बीच चलने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर लगने ही वाली थी कि उसके 2 डिब्बे बेपटरी हो गए। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे के पीछे क्या वजह है इसकी जाँच जरूर की जाएगी। फिलहाल इस हादसे की वजह से ट्रेनों के आवागमन में असर हुआ है।